नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। आज मैं कराने जा रहा हूं हायर परचेज सिस्टम का 7th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, जरा देख ले आप गौर से एक बार। उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा। आप 7th क्वेश्चन में पढ़कर सुनाता हूं। हुआ क्या इसके अंदर, इसमें लिखा अजंता कंपनी परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑफ ऑन 1st अप्रैल 2000। उसने एक मशीन परचेस की है हायर परचेज सिस्टम पे। द कैश प्राइस ऑफ मशीन वॉज कितना है, 9400। 1400 वॉज पेड ऑन डिलीवरी, यानी कि डाउन पेमेंट होगी। एंड द बैलेंस इन 8 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1000 ईच एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। इसमें बोल दिया इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। कभी कभी ये बोलता भी नहीं है, लेकिन हमें पहचानना पड़ता है इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है। वेंडर चार्ज इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन अनपेड ईयरली बैलेंस। द परचेसिंग कंपनी डिसाइड टू राइट ऑफ डेप्रिशन ऑन द मशीन एट द रेट 10% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओपन नेसेसरी अकाउंट इन द बोथ ऑफ द पार्टी। दोनों की पार्टी में अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। स्केल ले लो, सेवन क्वेश्चन मैं यहां कराऊंगा, ठीक। लाइन खींचने का तरीका, ये 8 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहा है ना, तो लाइन तो लंबी खींचेंगे। यहां लिखेंगे हम कैलकुलेशन टेबल, लिख दिया पर्टिकुलर कैश प्राइस अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू। कोई दिक्कत? अब हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, मशीन परचेज की, मैं मशीन परचेज ऑन 1st अप्रैल 2000 सन में खरीदी है, 2000 में। देख पा रहे, जूम कर लेता थोड़ा सा, मैं हमेशा रिमोट लाना भूल देता हूँ। यहाँ पे 9400 की खरीदी, इतना लिखा हुआ। हमें सोचना चाहिए कि इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है, और जानकारी हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट, हमने देख रहे हो बेटा, इंटरेस्ट इक्वल्स टू HPP-CP, ठीक है। हायर परचेज प्राइस वो होता है जो हमने जिसमें परचेज किया है। 9400 था, कितना था 9400, तो कैश प्राइस था बेटा। हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं डाउन पेमेंट 1400 प्लस 1000 की 8 इंस्टॉलमेंट, तो 8000 की चला गया और 1400 ये हो गया, तो टोटल कितना हो 9400, और कैश प्राइस भी 9400 ही है। तो यहाँ पे माइनस करने में क्या बचेगा, जीरो। मैंने आपको समझाया कि HPP माइनस CP करने के बाद अगर जीरो बचता है तो इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, अगर कोई अमाउंट आती है तो इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो जो मैंने कल क्वेश्चन कराया था उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड था और आज वाले में नहीं है। तो नहीं है इसका मतलब है ये जो इंस्टॉलमेंट के नाम पे दिख रहा है ना, वो इंस्टॉलमेंट नहीं है, वो क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। क्योंकि इंस्टॉलमेंट क्या होती है, जिसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यू भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। लेकिन जब हमारा इंटरेस्ट माइनस करने पर जीरो आया, इसका मतलब है ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। अब करना कैसे है वो देखो जरा, अब पता चल गया इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। देख पा रहे बच्चों, निवेदिता और मुस्कान आपके लिए करा रहा हूँ खासकर, देख लेना। और आकाश, कल मेरे पास नया बच्चा आया है उसके लिए करा रहा हूँ। तो हमने लिखा मशीनरी परचेज ऑन 1st अप्रैल 2000 में 9400 की, माइनस करूंगा कैश डाउन पेमेंट जो कि सेम डेट पे होती है, पेमेंट 1st अप्रैल 2000 पे कर दिया 1400 की पेमेंट की, क्योंकि डाउन पेमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, तो डैश कर दिया। माइनस करने पे क्या आएगा 1400, और फिर यहाँ पे अमाउंट आएगी हमारे पास
1400 जो अमाउंट यहाँ होती है उससे उठा के रखते हैं, कितना बैलेंस आया 8000 रुपये, कोई दिक्कत। अब ये बैलेंस बच गया, इसको मैं 8 बार में चुकाना है, तो पहले लिखो माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। अब इसका साल कब खत्म हो, 31 मार्च 2001, देख पा रहे होंगे, और जूम कर लूं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंस्टॉलमेंट हमेशा हम यहां लिखते हैं, लेकिन जो 1000 रुपये दिख रहे थे तो यहां पे 1000 रुपये दिख रहे हैं, जूम आउट ही करना पड़ेगा मुझे। जो मैं 1000 रुपये यहाँ पे दिख रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट नहीं है, वो क्या है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू, उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 1000 रुपये, लिख दिए। इस बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालूंगा 10%, जो कि कितना बनता है 800। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो इंस्टॉलमेंट बन जाएगी 1800, लेकिन माइनस क्या करूंगा वही 1000 रुपये जो कि प्रिंसिपल वैल्यू के होते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर इंस्टॉलमेंट होती तो मैं इसको यहाँ लिखता, इंटरेस्ट माइनस करता तो प्रिंसिपल वैल्यू होता, लेकिन इन दोनों को ऐड करके लिखा है, तो यही फर्क होता है। जब इंटरेस्ट इंक्लूड होता है तो हमारे को ये वाली जो होती है वो इंस्टॉलमेंट मानी जाती है, जो कि हम यहाँ लिखते हैं, फिर इंटरेस्ट माइनस करके तब प्रिंसिपल वैल्यू होता है, एक्सक्लूड हो जाता है वो प्रिंसिपल वैल्यू। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देंगे 7000 आएगा, फिर माइनस कर दो सेकेंड इंस्टॉलमेंट, पेड 31 मार्च 2002, 1000 रुपये, फिर इस पर निकालो 700 आएगा 10%, फिर ये होगा 1700, ठीक है, माइनस कितना होगा 1000, ऐसे ही चलता रहेगा 8 साल तक, बैलेंस आ गया। थर्ड इंस्टॉलमेंट कर दोगे तो करो बेटा, 31 मार्च 2003, मैं सोच मैं कर दूँ थोड़ा स्टेबल टेबल, फिर आपके तुम करते रहना, कि बच्चे सीख रहे हैं ना वीडियो में, वो सोचेंगे कि आपसे कैसे हो पाएगा। तो 1000 रुपये माइनस कितनी 5000 रह गया, अब थर्ड होगी माइनस फोर्थ इंस्टॉलमेंट लिखो, थर्टी फर्स्ट मार्च 4, 1000 रुपये किस प्रिंसिपल वैल्यू है, 500 रुपये का इंटरेस्ट है टोटल होगा 1500, माइनस करना है 1000, तो ये हो जाएगा 4000। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट इकतीस मार्च 2005 में, ये 1000 रुपये, यहाँ पे 400, ये 1400, यहाँ 1000 रुपये माइनस कर दो 3000। सिक्स इंस्टॉलमेंट छ को, यहाँ 1000 रुपये, फिर 300 रुपये, 1300 हो जाएगा, 1000 रुपये माइनस कर दो, कितना बचा, फिर ये बैलेंस बच गया हमारे पास, फिर माइनस करेंगे सेवंथ इंस्टॉलमेंट पेड 31 मार्च 2007 में, 1200, ये 1200 हो गया, 1000 रुपये कम कर दो, बैलेंस आ गया। हज़ार यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 1100, और 1000 रुपये माइनस कर दो, कोई बैलेंस नहीं बचेगा, समझे बेटा। ऐसे टेबल बनानी है, अकाउंट कैसे बनाओगे उसके लिए, ये 1200 है, 120 आएगा, नहीं इस पर निकालते ना बैलेंस पे, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि भाई आपको मैंने सिखाया है, ये तो हो गया, अकाउंट बनाने हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो पहले आपको एंट्री आनी चाहिए, एंट्री लिखाई थी उसे लेजर आना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक एक साल का अकाउंट भी बनाकर दिखा देता हूँ, एक साल का अकाउंट कैसे बनता है, बाकी उसी के हिसाब से आप बनाते रहना, ठीक है।
पहला अकाउंट। अब हायर परचेज अकाउंट को बनाना है ना आपको, इन दी दिख रहा है बेटा, इन दी बुक ऑफ हायर परचेजर। तो पहला अकाउंट होगा मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अच्छा लेजर बता रहा, डायरेक्ट बिना एंट्री के। देखो अभी तक एंट्री आपको बनानी आती है तो आप कर लेते हो, बिना एंट्री के कैसे बनाओगे, क्योंकि टाइम सेविंग तो होनी चाहिए। तो फिर डेट पर्टिकुलर एल एफ, क्योंकि डायरेक्ट बना रहे तो एल एफ यूज होता है, और जनरल एंट्री से बनाते तो यहाँ जे एफ यूज होता है। डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए आपको पहली एंट्री मालूम होनी चाहिए। इसकी पहली एंट्री बनती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, ये पहली एंट्री। जब पहली एंट्री आ तभी तो आप बना पाओगे। यहाँ अमाउंट डालते हैं कैश प्राइस, कैश प्राइस कितना है 9400। अब आपको देख लो एसेट्स का अकाउंट बना रहे हो, एसेट डेबिट है तो ये चीज भी डेबिट में आएगी टू हायर वेंडर। यहां लिखेंगे 1 अप्रैल 2000 ईयर के अंदर टू हायर वेंडर, वो इंसान जिससे हमने कोई सामान खरीदा है। तो 9400 लिख दिया। डेब लगाने का तरीका बोला इसने 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी WDB बोला था, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इस 9400 पे डेब लगाना है, तो 31 मार्च 2001 में बाय डेब लगेगा कितना 940। जरा माइनस करना, फिर हमारा जो माइनस कर रहा है वो बैलेंस सीडी बच जाएगा। पहले 9400 दोनों साइड लिखा, फिर माइनस कर लिया कितना 8460, ठीक है। ये सेम डेट, यहाँ 1 अप्रैल आ जाएगा 2001 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8460, फिर बाय डेप आ जाएगा इसी का 10% जो बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी या बीडी की चीज होती है, बैलेंस सीडी लिखा तो 8460 हो जाएगा 31 मार्च 2002। फिर 31 मार्च 2002 में बाय बैलेंस सीडी 7614। ये कहां से आया बेटा, ये टोटल करके जो बैलेंस बचेगा ना 8460 दोनों साइड लिख रहे हैं, पर इसे माइनस कर दो तो आंसर आपको बच जाएगा। ये तो हो गया एक अकाउंट, मैं 2 साल का बना रहा हूं, बाकी आप पूरा करना बच्चों। आप भी जो इस वीडियो देख रहे हैं, अब बनाएंगे हम हायर परचेजर का, ऐसे 8 साल तक बनाना बेटा। ये वो क्वेश्चन है जिसने अच्छे अच्छों को अकाउंट बनाना सिखा दिया, क्योंकि 8 साल कम नहीं होते। एक ही चीज जब 8 बार हम करते ना तो आराम से समझ में आ जाती कि करना क्या था। मेरे स्टूडेंट जो भी हैं पुराने वाले, जो उस बेंच में सेक्टर 23 वाले बेंच में, उन्होंने अकाउंट यहीं से सीखा बनाना। इससे पहले वो बना तो लेते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस कब आया, जब उन्होंने ये चीज यहाँ पर अप्लाई की इस क्वेश्चन के अंदर। जब 8 बार एक बार कोई चीज करेंगे तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा होता है हायर वेंडर, हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, ये डेट पर्टिकुलर तो आप लिखी, लोगों बताइए तुम्हें हायर वेंडर अकाउंट बनाना है। तो पहली एंट्री जो बनाई थी उसे देखते हैं फिर से, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो हायर वेंडर अकाउंट बना रहा हूं तो हायर वेंडर इसमें कहां है, क्रेडिट में, तो पोस्टिंग कहां जाएगी, क्रेडिट में। लेकिन हायर वेंडर का नाम नहीं आएगा, एसेट्स का नाम आएगा। तो एसेट्स का नाम क्या, मशीनरी थी, ठीक है। तो हायर वेंडर क्रेडिट में है, पोस्टिंग भी क्रेडिट में होगी बाय मशीनरी अकाउंट 1 अप्रैल 2000 में। आपने जो खरीदी है 9400 खरीदी है,
अब आपने खरीद तो लिया लेकिन पेमेंट भी करना था, जिस दिन आपने खरीदी उस दिन पेमेंट की है, 1 अप्रैल 2000 में डाउन पेमेंट की है, कहां से मिलेगी, टेबल हमारा सहारा है, आपने डाउन पेमेंट की है 1400 रुपए की, टू कैश अकाउंट 1400 रुपए। फिर इंस्टॉलमेंट देने का टाइम आता है, उस इंस्टॉलमेंट देने के टाइम से पहले आपको इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ता है, 31 मार्च 2001 में बाय इंटरेस्ट। अब पहली साल का इंटरेस्ट कितना बनता है वो पहले देखना पड़ता है ना, कि चिंता पहले इंटरेस्ट होती है, इंटरेस्ट कितना है 800 रुपए, तो 800 रुपए इंटरेस्ट था, हमने यहां लिख दिया। अब 800 रुपए लिख दिया, लेकिन यहां क्या होता है, टू कैश के नाम से इंस्टॉलमेंट देते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इंस्टॉलमेंट 1000 रुपए ही दिख रही थी, लेकिन 1000 रुपए इंस्टॉलमेंट थोड़ी थी, वो तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, इंस्टॉलमेंट है 1800 की, हमेशा इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम से उठाते हैं इसे, 1800 रुपए ये दिए हमने साल के एंड में, जो कि 2001 में हुआ था। अब हमें बैलेंस करना पड़े 2001 में, 2000 में तो खरीद लिया है, तो उसका साल का एंड कब होगा, 31 मार्च 2001 को, अब इसे टोटल करो, ये हो जाएगा 10200, 10200 में से माइनस करो 7000। कोई बचा, कोई दिक्कत है, ये बैलेंस हो गया टू बैलेंस सीडी कैरेट डाउन, ये हो गया हमारे पास 2001, यहाँ पे स्टार्टिंग होगी 1 अप्रैल 2001 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि 31 मार्च है, ये 1 अप्रैल है, कोई साल चेंज होने का मतलब नहीं होता। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो 7000 रुपये लिख दिया। अब डाउन पेमेंट फिर से पेमेंट तो होगी नहीं, सिर्फ क्या काम रिपीट होगा, 31 मार्च को 2002 में बाय इंटरेस्ट ड्यू होगा, और यहाँ पे टू कैश होगा। अब बात आती है अमाउंट कहाँ से आएगी, अमाउंट आएगी सेकंड इंस्टॉलमेंट की, जो भी अमाउंट बनती है वहां से, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट हमने इंटरेस्ट है 700, ये है 1700, ठीक है, तो ये 700, ये 1700, तो बैलेंस कर दो। अब आपको यही काम 8 साल तक करना है, तो 7700 नौ साल लिख के 6000 आ जाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन 31 मार्च 2002, यहाँ 1 अप्रैल 2002 रहेगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 6000, ये तो हो जाएगा, ठीक है। अब आता है इंटरेस्ट का नंबर, अगर मैं एंट्री बनाने बैठ जाऊँ ना, बनाने लगूँ बच्चों से, मैंने एंट्री भी बनाई थी जबरदस्ती, जैसे एंट्री भी सीख जाए, तो कम से कम 32 पेज खा गया था ये क्वेश्चन एंट्री बनाने के टाइम, और इतना जगह खा गया एक, ऐसे क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आते, सोच लेना ध्यान से, ये 8 साल की, ये तो सिर्फ सिखाने के पर्पस होते हैं, कि बच्चा इतना पक जाए कि वो कहे कि हाँ मुझे आ गया, ये इसी पर्पस से बनाए गए क्वेश्चन, वरना सोचो अगर ये क्वेश्चन दे दिए 3 घंटे तो यहीं पे खत्म ही हो जाएंगे, बेचारा सर पकड़े बैठ जाएगा, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो वो कहेगा छोड़ना बेहतर है और कर लूंगा मैं। तो यहां लिखूंगा इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट के लिए आपको थोड़ा मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इंटरेस्ट की एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, और जो दोबारा होती है पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो आपको बस क्या करना है, टू हायर वेंडर लिखना है इसके लिए, और बाय प्रॉफिट लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये 31 मार्च 2001 में ड्यू होता है साल के एंड में, जो पहला साल का एंड था 31 मार्च 2001। अब पहली साल का इंटरेस्ट कितना था, 800 था, दिख रहा है ना 800 था, ये क्या हो गया, जूम कर ले, ऑटो फोकस भी बड़ा बेकार है, भूल ही रहते, ये रहा बच्चे दिख रहा है, हाँ ये वाला 800 रुपये लिखना है, इसे मैनुअल फोकस करना पड़ेगा यार, एक बार सेट कर दो, सब सही है, इसे मैनुअल फोकस कर लो, लॉक, अब फोकस लॉक है, कितना भी पास ले लूँ कुछ दिक्कत नहीं होगा, देखो तो ये 800 रुपये लिख दिया हमने, यहाँ भी 800 रुपये लिख दिया। अब हमारे पास क्या आएगा, यही देखो खत्म हो गया, कोई बैलेंस तो बचा नहीं, जितना खर्चा हुआ था वो हमने प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया, 800 800,
नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2002 में टू हायर वेंडर और बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि साल में दो बार इंटरेस्ट का यूज होता है ना इसलिए, तो यहाँ 700 रुपये लिखा, यहाँ 700 रुपये लिखा, बस ये 8 साल तक ऐसी कहानी चलानी है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। इसके बाद इतना हमने कर दिया, अब ऐसे ही वेंडर में बने 3 अकाउंट, तो यहां लिखते हैं इन दी बुक ऑफ हायर वेंडर। इसमें जो पहला अकाउंट होता है हायर सेल्स होता है, इसकी एंट्री जो मैंने लिखवाई ना वो याद रहनी चाहिए तुम्हें, हायर सेल्स का अकाउंट जो होता है वो 1 साल का बनता है सिर्फ, क्योंकि पहली स्टार्टिंग वाले पहली साल में यूज होता है ना हायर सेल्स का नाम, क्योंकि जो वेंडर होता है वो तो इसका काम है सेल करना, उसने अपना सामान सेल कर दिया, काम खत्म। अब जो सेल कर रहा है तो उसका तो काम ही सेल करना था, तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर भी करेगा, सेल जितनी भी सेल होगी सब काम ले जाएगा ट्रेडिंग में। सर इसी जनरली हायर सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, पहली होती है हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स, और दूसरी होती है हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। साल में दो एंट्री बनती है इसकी, एक साल में, एक साल दो बार यूज होता है, पहले हम बेचते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं सेल्स में, सेल्स को ट्रेडिंग में। तो बेटा हमारा यहाँ पे पहले होगी बाय हायर परचेजर, कितने रुपए 9400 का, और वही चीज टू ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा 9400, बाकी टोटल करके खत्म कर दो। ये हुआ 1 अप्रैल 2000 में, ये होता है हमारा 31 मार्च 2001 में, 9400 9400, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये देखो बेटा जो मैंने यहाँ बनाया था हायर परचेजर का और वेंडर का, उसका अपोजिट बनेगा हायर परचेजर, और उसके लिए मैं पहली एंट्री यहाँ लिख के छोटी सी एंट्री बता देता हूँ। पहली एंट्री बनती थी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, हायर सेल्स बोलते हैं क्योंकि सब किराए पे बेचा हुआ की तरह सामान है, क्योंकि ये जब तक हमारा नहीं बनता जब तक हम सारी पेमेंट ना कर दें या कोई सामने वाला सारी पेमेंट ना कर दे तब तक वो चीज़ उसकी नहीं बनती। तो हायर सेल्स को बनाया तो मैंने हायर परचेजर डाल दिया, अब हायर परचेजर का बनाऊंगा अकाउंट, ये एक ही साल का बनता है तो मैंने यहीं पे शुरू कर रहा हूँ, हायर किसका बनाऊंगा मैं परचेजर का, जुकाम होने वाला मुझे भी लग रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। मुझे लग रहा है छुट्टी मार गया, आएगा जरूर, थोड़ा लेट आएगा, 10 बजे नहीं वाले फिर नहीं आएगा, वो गोल कर गया, सो तो नहीं उठता वो लड़का। देखो हायर परचेजर को बना रहा हूँ, हायर परचेजर कहाँ लिखा है डेबिट में, तो पोस्टिंग भी डेबिट में होगी टू हायर सेल्स अकाउंट, ये बोल रहा है इंसान, कौन बोल रहा है, जो हायर वेंडर है जो बेचने वाला, वो कह रहा है टू हायर सेल्स, 9400 की उसने बेच दी 1 अप्रैल 2000 ईयर में। अब जिस दिन बेची उस दिन पैसे मिले 1 अप्रैल 2000 को बाय कैश अकाउंट 1400। और फिर इसको क्या होता है कि जब साल पूरा होना होता है इंटरेस्ट की चिंता होती है, इंटरेस्ट भी लेना है भाई, इंटरेस्ट भी लेना है, तो 31 मार्च 2001 में 2001 में टू इंटरेस्ट ड्यू होगा, और फिर उसे बाय में मिल जाएगी बाय कैश के नाम से इंस्टॉलमेंट। अब वो टेबल ही सहारा है हमारे पास, एंट्री तो कुछ है नहीं, तो पहला इंटरेस्ट कितना है 800 और ये हमारा 1800, तो 800 रुपये का इंटरेस्ट 1800 रुपये की इंस्टॉलमेंट, टोटल करेंगे और फिर बैलेंस आएगा, टोटल करेंगे 10200 आएगा, और 10200 में से अगर माइनस कर दो तो 7000 आएगा, फिर बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च 2001 में हो रहा है बाय बैलेंस सीडी, और यहाँ पे टू बैलेंस बीडी,
1 अप्रैल 2001 में कितना 7,000। फिर जब इंटरेस्ट ड्यू होगा 700, और फिर यहाँ पे बाय कैश के नाम से इंस्टॉलमेंट मिलेगी। ये 31 मार्च 2002, ये 31 मार्च 2002, ठीक है। ये हमारा 700 होगा और ये हमारा 1700, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था, आपको दिखा देता हूँ, 700 और 1700। अब टोटल करके बैलेंस निकाल दो, 7700, 7700 माइनस 6000, और कितना इसको जोड़ के 1700 माइनस कर, बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च 2002 है, ठीक है। ऐसे चलाते रहो 8 साल तक, ठीक है। अब मैं यहाँ एक लास्ट अकाउंट है जो इंटरेस्ट अकाउंट बनता है वेंटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि वेंटर चिंता करता है उसे मिलना है भाई, मिलना है, और परचेजर कहता है मुझे देना है, तो वेंडर को मिलना है तो कभी ना कभी तो मिलकर वो प्रॉफिट बन ही जाएगा उसके लिए, और परचेजर को देना होता है वो उसके लिए लॉस बन जाता है, ये चीज ध्यान रखना। कॉपी थोड़ी छोटी है तेरी, चौड़ी वाली होती ना ज्यादा सही रहता। देखो इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे होता है बाय हायर परचेजर का नाम, कितना रुपए इंटरेस्ट था पहले साल 800 रुपए, फिर लिखते से 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 800 रुपए। 31 यानी 2001 में 31 मार्च को, ठीक है, 2001 में 31 मार्च को ट्रांसफर हो गया। ये काम सिर्फ इतना ही चलता रहता है। अब आपको फर्क दिखा देता हूं, इंटरेस्ट मैंने यहां भी बनाया था, ये हायर परचेजिंग बुक में है क्योंकि उसे देना था हायर वेंडर को, जब उसने दे दिया तो उसका नुकसान हो गया, ये इसको मिलना है हायर परचेजर से, वेंडर बोल रहा है तो हायर परचेजर, और यहां पे प्रॉफिट हो गया, उसे प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही बाय हायर परचेजर 700, टू इंटरेस्ट अकाउंट 700, ये 2002 है, ये भी 2002, 31 मार्च और 31 मार्च, टोटल कर लो 700। ऐसे 8 साल का पूरा कर दो बेटा। अब आपके क्वेश्चन जो कहां तक हो जाएंगे, कोई बोले तो 10 तक क्वेश्चन हो जाएंगे, 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन दो तरह के मिलेंगे, या तो इंटरेस्ट इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो अगर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो भाई आपको पता चल जाएगा, अगर यहाँ 0 बच रही है तो इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, जो इंस्टॉलमेंट के नाम पर दिख रहा है वो प्रिंसिपल वैल्यू है, इंटरेस्ट निकालो दोनों जोड़ के यहाँ लिख दो, लेकिन घटाओगे आप प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन अगर इंटरेस्ट इंक्लूड होता तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड था, कहाँ गया अभी मेरे हाथ का, मैं मेरे आइटम वाला कहाँ है, ये रहा, यही होगा, कहाँ है, चल छोड़ ये रहा, जैसे इसे बता देता हूँ, ये 6,000 इंस्टॉलमेंट है, तो फर्स्ट है, सेकंड वाला कहाँ गया, ये रहा मिल गया बेटा। ये मेरे हाथ का क्वेश्चन है जो मैंने इसका सेकंड क्वेश्चन कराया था, जब इंटरेस्ट इंक्लूड था तो आपका अमाउंट बच रही थी, और जब बच रही है समझ जाओ कि जो इंस्टॉलमेंट के नाम पे दिख रहा है ना उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, वो इंस्टॉलमेंट इस कॉलम में आएंगी, और फिर इंटरेस्ट माइनस करके तब प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे और उसको उठा के कटा देंगे। पर सर दोनों में एक चीज कॉमन है कि इंटरेस्ट नहीं है बैलेंस पे। हाँ बैलेंस पे ही निकलता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये कहानी थी अब तक की, आपके दोस्त तो हो जाएंगे, कल 11 कराऊंगा मैं क्वेश्चन जिसमें हम इंश्योरेंस प्रीमियम का यूज करेंगे, फिर 11 कराने के बाद आपके 14 तक हो जाएंगे, 14 करने के बाद मैं 15 कराऊंगा और फिर आगे की चीजें कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे बिना मत जाना, और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब चैनल कर देना जो भी नया बंदा हो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तब तक मिलते हैं नई वीडियो साथ, जय हिंद जय भारत।